जी अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू दिस सेशन। हम पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री फॉर द पर्पसेस ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग या फाउंडेशन लेवल ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स एंड वन पेपर एमसीक्यू टेस्ट। तो हमने कल जहां तक पढ़ा था वो ये था के अंग्रेज गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चैलेंज किया था कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंडिया के लिए लेके आना चाह रहे हैं, अगर इंडिया वाले हमारे भेजे हुए साइमन कमीशन से जो है वो तावन ही नहीं कर रहे हैं। ये वो कमीशन है जो हमने 10 साल के बाद बनाना था, जिसका प्रॉमिस हमने किया था मॉन्टैक्स चिलम फोर्ड रिफॉर्म में, तो अब वो कमीशन हमने बनाया है तो ये तो तावन नहीं कर रहे हैं। तो लाएं कोई यूनैनिमस रिपोर्ट ले आए तो और हम इसको पास कर देंगे वैसे ही। तो उसके लिए एक एफर्ट हुई नेहरू रिपोर्ट की शक्ल में, जिसके ऊपर कॉन्सेंसस डेवलप ना हो सका, और देन जिना साहब ने 14 पॉइंट दिए। जब दो अलग अलग बातें आ गई तो उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस कॉल की, और उसके बाद इंडियन एक्ट ऑफ काउंसिल्स एक्ट 1935 हुआ। किसी ने नहीं पहले ये अटेंड किया हुआ, पहले ये बातें नहीं है, तो पिछला लेक्चर जरूर सुन के आइएगा। चलें, अब हम आज जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स हैं। अब दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स का बैकग्राउंड आपको पता है कि 1919 के जो एक्ट था वहां पे वादा किया गया था कि 10 साल के बाद एक कमीशन भेजा जाएगा इंडिया, जो कि इंडिया के फ्यूचर के बारे में प्रपोजल्स देगा, राइट? तो वो जो 10 साल जो थे वो कब मुकम्मल होने थे भला? दे वर टू बी कंक्लूडेड और कंप्लीटेड इन 1929, इज इट सो? लेकिन थोड़े मामलात बिगड़े, वहां पे अंग्रेज जो अपोजिशन पार्टी थी उनकी तरफ से, और इंडिया में भी थोड़ा टर्मोइल चल रहा था, तो उन्होंने इस कमीशन का जो ऐलान है वो थोड़ा अर्ली कर, ठीक है? तो 1927 में कमीशन का ऐलान किया गया, और उस कमीशन के ऐलान से पहले या एक्सपेक्टेड था कि ये कमीशन इंडिया आएगा, तो मुसलमानों ने एक एफर्ट की रिकंसिलेशन कर लें हम हिंदूज के साथ, और मिल के कोई अच्छा पैकेज ले लें, कोई अच्छी डेवलपमेंट ले लें, जिससे हमें इंडिया के लोग जो है एम्पावर हो जाएं, और ये जो इम्पीरियल गवर्नमेंट है, एम्पीरियल जो ब्रिटिश जिन्होंने कॉलोनी बनाया हुआ, इनसे हमें छुटकारा मिल जाए। तो उस मकसद के लिए जिनाह साहब के जहन में था कि जनाब हमारा और कांग्रेस का इत्तफाक सेपरेट इलेक्टोरेट पे नहीं है, कांग्रेस नहीं चाहती कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। तो जिना साहब ने जो दिल्ली के मुस्लिम लेजिस्लेटिव्स थे इनको इकट्ठा किया, और 20 मार्च को कॉन्सेंसस से कुछ प्रपोजल्स पेश किए। इन प्रपोजल्स का मकसद जो था वो कांग्रेस के साथ हम आहंगी था चंद बुनियादी पॉइंट्स पर, कि हम जो भी कमीशन आए, जो भी आने वाली असलाहत है, उसके बारे में अंग्रेज को एक यूनैनिमस मौकफ पेश कर दें। तो जी मुसलमानों ने कहा कि हम जी सेपरेट इलेक्टोरेट से दस्तबरदार हो जाते हैं, हमें नहीं चाहिए। अगर क्या अगर सिंध को मुंबई से अलग कर दिया जाए, सिंध अलग सूबा बना दिया जाए, एनडब्ल्यूएफपी में दूसरे सूबों की तरह रिफॉर्म्स कर दी जाए, मुसलमानों को सेंटर में 33% नुमाइंदगी दे दी जाए, और बंगाल और पंजाब में मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासब से ज्यादा सीटें दे दी जाएं, तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। दीज आर कॉल्ड मुस्लिम दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स, ठीक है? अब जिना साहब थोड़ा विजनरी आदमी थे, वो सेपरेट इलेक्टोरेट को वैसे तो कुर्बान नहीं कर रहे थे। अब अगर ये सूबा बन जाता है, यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी होगी, ये 33 सीट्स आ जाती हैं तो मुसलमानों की आबादी से ज्यादा है, और यहाँ पर एक्स्ट्रा सीट्स मिल जाती हैं हमें, तो यहाँ पे भी मुस्लिम गवर्नमेंट होगी, मुस्लिम मेजोरिटी गवर्नमेंट होगी, मुस्लिम मेजोरिटी गवर्नमेंट होगी। तो आपके पास जो है वो चार सूबों में, बलोचिस्तान में वैसे ही मुस्लिम मेजोरिटी है, तो आपके पास चार सूबों में, पांच सूबों में
आपके पास जो है वो गवर्नमेंट्स आती हैं और सेंटर में भी आपको एक अच्छी मिलती है, पावर मिलती है, तो फिर क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट को हम कर दें। तो दैट वाज द पॉइंट वेयर मुस्लिम लीग इटसेल्फ एक्सेप्टेड के जी हम जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट को कुर्बान कर देते हैं। अब इस सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को मिला सबसे पहले कब था, ये जहन में रखना है आपने, बात जरा पीछे से आ जाओ, सोचो पीछे से जो सीरीज सुन के आ रहे हो, कब मिला था ये। शिमला डेपुटेशन में मांगा, मेंटो मॉरले रिफॉर्म्स में मिल गया। कांग्रेस ने कब एक्सेप्ट किया पहली और आखिरी बार, लखनऊ पैक्ट में। मुसलमानों ने कब कहा कि जी हमें नहीं चाहिए, दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल्स, ठीक है जी। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जनाब 1927 में बना और इसने इंडिया के दो विजिट्स किए, 1928 में और 1929 में, ये दो विजिट्स हैं। ये वन पेपर के लिए इनकी डेट्स को याद रखिएगा। सेवन पार्लियामेंटेरियन, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन मौजूद थे इसमें और इनकी क्यादत कर रहा था जॉन साइमन, इसलिए इसको साइमन कमीशन बोलते हैं। इसमें से एक बंदा जो था उसका नाम था जी क्लेमेंट एटले, ये बाद में यूके का प्राइम मिनिस्टर भी बना और जब पाकिस्तान आजाद हुआ ही वॉज द पीएम ऑफ यूके। जनाब ये आते हैं इंडिया के फ्यूचर का डिसाइड करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट बैठे हुए हैं दोनों पार्टियों में, कांग्रेस में भी मुस्लिम लीग में, उनका ना भाई ना, ये क्या बात हुई, आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन के फ्यूचर का फैसला करने आ रहे हो और क्या बात हुई, नो इंडियन, कोई इंडियन मौजूद ही नहीं है इसमें, ये क्या बात हुई। तो फिर ये तो आप अपना फैसला हम पे थोपने आ रहे हैं। अंग्रेज कहता है कि जी ये बात नहीं है, आप ये देखें कि इंडिया के अंदर कितनी कौमें हैं, अब सबको कैसे रिप्रेजेंटेशन दे दें, और अगर सबको रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो हमें नहीं लगता कि आप किसी कॉन्सेंसस पे पहुंच पाएंगे। बार कैफ इसने अपना काम किया और ये जहां जहां जाता ना, गो साइमन गो, गो साइमन गो। जब मुस्लिम लीग ने यहाँ पे बायकॉट किया तो एक फ्रैक्शन ऑफ मुस्लिम लीग जो था वो लैदा हो गया सर शफी की क्यादत पे। इनका मानना था कि कांग्रेस साइमन कमीशन से कॉपरेट नहीं कर रही है, मुस्लिम लीग को कॉपरेट करना चाहिए, अपनी डिमांड्स बनवा लेनी चाहिए, बात तो सही है। लेकिन जिना साहब कहते हैं कि नहीं जी बात है असूलों की, दैट्स इट। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि किस मौके पर सर शफी लीग या एक फ्रिक्शन जो था वो लैदा हुआ, जिन्होंने थोड़ा इस पॉइंट पे अपनी अलग सोच बताई, तो दैट वाज यहाँ पर जनाब, यहाँ पे लाहौर में बहुत बड़ा जो है वो एहतजाज हुआ इनके खिलाफ जब इसने लाहौर विजिट किया, उसको लाला लाजपत राय इसने लीड किया, पुलिस ने लाठी चार्ज किया और 14 दिन के बाद लाला जी जो थे वो फिनिश हो गए, ठीक है। तो इसलिए उनको आजादी की जद्दोजहद का एक नाम गिना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। तो जनाब कमीशन चला गया और कमीशन ने बाद में 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की। ये सवाल आ जाता है व्हेन वाज इट्स रिपोर्ट पब्लिश्ड, और जब रिपोर्ट पब्लिश की तो इन्होंने कहा कि जी डायरकी का निज़ाम ख़त्म कर दें। डायरकी का निज़ाम इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1999 में। इन्होंने कहा कि जी NWFP को अभी स्टेटस नहीं देना सूबे का, फेडरल सिस्टम लागू करें, फेडरल सिस्टम द पावर्स विल बी शेयर्ड बाय द प्रोविंसेस एंड द फेडरेशन, और सिंध को मुंबई से अलग कर किया भी ना जाए बल्कि कमेटी बनाई जाए कॉन्सेंट्रेशन के लिए। बहरहाल इससे पहले क्या डेवलपमेंट होती है, साइमन जहां जाता है नो कॉपरेशन नो कॉपरेशन नो कॉपरेशन, एहतजाज जलसे जुलूस, तो वहां जनाब वहां पे खड़ा होके ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन और पीएम एक तकरीर करता, उन्होंने कहा दिया ये लोग इंडियन क्या लोग हैं भाई, हम इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज देना चाह रहे हैं, इनको मराद देना चाह रहे हैं, इनके लिए रिफॉर्म्स लेके आना चाह रहे हैं, हमने अपने वहां पे बंदे भेजे हुए हैं जो इन रिफॉर्म्स पर इनसे बात कर रहे हैं, और ये अजीब लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं कि ये हमारे साथ तावन ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये इतने काबिल हैं लायक हैं तो जनाब कोई भी डॉक्यूमेंट ले आए जो यूनैनिमस हो, जिसपे वहां पे मौजूद तमाम कौमियतें जो हैं वो क्या हूं एग्री करती हूँ,
वो ले आए, हम इनको वैसे ही पास कर देंगे और यही रिफॉर्म्स इनके लिए दे देंगे। इस वक्त जनाब साहब है बाहर मुल्क से, पीछे से जनाब इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली हासिल है कांग्रेस को, बड़ी जमात है, उन्होंने जी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला ली, कुछ मुसलमानों को भी बुलाया, इस वक्त मुसलमान कांग्रेस में ही मौजूद थे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने कहा कि चलो जी फ्यूचर के आइन के लिए, इंडिया के फ्यूचर के आइन के लिए कुछ कमेटीज बनाते हैं। इसमें एक कमेटी जो थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसको प्रेजाइड कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। इसमें 5 मेंबर थे और 2 मुस्लिम मेंबर भी थे। ये सवाल पीपीएससी में बेशुमार आया है कि इनमें से कौन से मुस्लिम मेंबर थे, शोएब कुरैशी और सारी माम अली। ये कोई इतने फेमस मेंबर नहीं थे, मतलब आप कह लें कि बड़ा मुस्लिम फेस नहीं थे। बहरहाल ये भी थे कि ये दिखाने के लिए कि देखें जी हमने मुसलमानों को नुमाइंदगी दी है और ये जो रिपोर्ट्स तैयार हुई हैं ये कंसेंसस से तैयार हो रही हैं तमाम कौमियतों। बहरहाल इन्होंने इस कमेटी को के अंदर जो हेड कर रहे हैं वो हैं जवाहर मोतीलाल नेहरू, और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद है इस कमेटी में, ठीक है, इसलिए इसको नेहरू कमेटी बोलते हैं। तो इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की उस यूनानिमसली उसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो जी नेहरू रिपोर्ट पेश हो गई, जिना साहब आए तो उन्होंने आके 3 अमेंडमेंट्स दी, और 3 अमेंडमेंट्स तकरीबन वो वैसी ही हैं जैसे उन्होंने दिल्ली प्रपोजल्स में दी। तो कमेटी ने कहा ना जिना साहब आप किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स ओवर, फाइनल हो गया, सब ने आपके हाँ कह दी है, यही रिपोर्ट है जिस पे सब लोगों का कॉन्सेंसस है, और इस रिपोर्ट को, इन प्रपोजल्स को नेहरू रिपोर्ट के नाम से याद किया जाता है, ठीक है। तो जनाब जिना साहब ने कहा कि नहीं ठीक है, आप लोग मेरी बात नहीं मानते तो लेट्स हैव माय ओपिनियन कि इंडिया का फ्यूचर आइन कैसा होगा, वो तो आपकी ओपिनियन है ना, मेरी ओपिनियन भी ले ले। अपनी ओपिनियन इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के दिल्ली के सेशन में 1929 मार्च के जो सेशन था उसमें इन्होंने पेश की। ये 9 मार्च को ये मीटिंग हुई, उस पर इन्होंने जो पॉइंट्स पेश किए इनको 14 पॉइंट्स कहते हैं, उसकी बुनियादी बुनियादी हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट हमें दे दें, सिंध को मुंबई से सेपरेट कर दें, NWFP में रिफॉर्म्स लाएं, बाकी सूबों की तरह मुसलमानों का कोटा कर दें जॉब्स में, कहीं भी मुसलमानों की नुमाइंदगी 33% से कम नहीं होनी चाहिए। अगला निज़ाम फेडरल सिस्टम लेके आए इंडिया में, जहाँ पे ज़्यादा पावर जो है वो प्रोविंसेस को दें, प्रोविंसेस को ज्यादा पावर देंगे तो मुसलमानों की कुछ सूबों में जहां गवर्नमेंट्स बनेगी वहां पर मुसलमानों को प्रोटेक्शन रहेगी, दैट वाज द सेंट्रल पॉइंट। सेंटर में तो ऑब्वियसली अक्सरियत कांग्रेस की होनी है क्योंकि बड़ी जमात है, मेजोरिटी है हिंदूज की वहां पर। वैसे इनको कहते हैं जी जिना के 14 पॉइंट्स। अब दिक्कत क्या है, इसको जरा जोड़ें उस पार्लियामेंटेरियन के खिताब के साथ, ब्रिकन हेड उसका नाम था शायद, जिसने कहा था कि ये यूनानिमस कोई भी रिपोर्ट ले आए पास कर देंगे। यूनानिमस तो ना हुई, इंडिया वालों का अपना है, कांग्रेस के अपनी पॉइंट आ गए हैं, मुस्लिम लीग का अपना मौकफ आ गया, तो बात खत्म, अंग्रेज का चैलेंज तो ये पूरा ना हुआ। इस पे उन्होंने क्या किया जी, इस पे उन्होंने कहा कि जी इधर आओ भाई बच्चों, लंदन आ जाओ, हम तुम सबको बिठाते हैं, खुद भी बैठते हैं, डेलिब्रेशंस करते हैं कि इंडिया का फ्यूचर आइन कैसा होना चाहिए। तो 3 कॉन्फ्रेंसेस बुलाई गई 1930 से 1932 के दरमियान। इन कॉन्फ्रेंसेस में डेलिब्रेशंस हुई और तकरीबन तमाम जो लीडिंग पॉलिटिशियंस थे इंडिया के उनको मधु किया गया तमाम सेगमेंट से। लेकिन कांग्रेस ने जब नेहरू रिपोर्ट इन्होंने नाफज नहीं की, एक्सेप्ट नहीं की इंडिया कांग्रेस की नेहरू रिपोर्ट ब्रिटिशर्स ने, तो इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दी। कहा जी इससे बेहतर तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को हो ही नहीं सकता, हमने तैयार किया है, सब सेगमेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, सारे थे, इसको नाफज करें हम नहीं, आपकी बात नहीं सुनते हम मजीद। तो पहली राउंड कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नहीं गई, दूसरी में गई है, दूसरी में कुछ खातर ख्वाह नतज नहीं निकले, तीसरी में फिर नहीं गई। अब इन कॉन्फ्रेंसेस पे हम एक एक बात बात करेंगे। पहली कॉन्फ्रेंस में इकबाल साहब को नहीं बुलाया गया, बाकी सारे लीडर्स जो हैं ना वो लंदन गए हुए हैं।
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास होता है जी अलाहाबाद में, इकबाल साहब वहां पे प्रेजाइड करते हैं। प्रेजाइड करते हुए जो प्रेजिडेंशियल एड्रेस देते हैं उन्होंने उनमें उन्होंने एक नई बात कर दी। उन्होंने कहा जी ये जो नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है इसको और कुछ मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाकों को मिला के एक नई डोमिनियन बना दें, एक नई स्टेट बना दें, पाकिस्तान दे दें। मुफ़क्करे पाकिस्तान इसी वजह से इनको बोला जाता है। बाद में अगर से काफ़ी पॉइंट्स हैं जहाँ पे इन्होंने आर्टिकल्स भी लिखे जिनमें उन्होंने कहा कि जी मेरा मकसद जो था वो मतलब उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की, वॉज नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट कि अब मैंने क्या कहा या क्या। बहरहाल आइडिया फ्लोट हो गया और ये पहली दफ़ा था कि ये आइडिया जो है मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से सामने आया। वो सेपरेशन का, इस वक्त तक सेपरेशन का मुस्लिम लीग ऑन नहीं करती, मुस्लिम लीग स्ट्रगल कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिल जाए। तो जनाब जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा जी इकबाल साहब को ही बुलाए, तो इकबाल साहब दूसरी जो थी ना वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इकबाल को ही मदऊ कर लिया गया और इकबाल साहब भी वहां पे पहुंच गए। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अब इनकी डेट्स आपने याद रखनी है, वन पेपर वालों ने जरूर याद रखनी। उस वक्त के बादशाह ने इसको इनॉगरेट किया, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब पहली कॉन्फ्रेंस में जिना साहब को खुला मैदान मिल गया, ही प्लेड रियली वेल, उन्होंने मुसलमानों के तमाम पॉइंट्स जो है ना वो बड़े अच्छी तरह पहुंचा दिए अंग्रेज तक। ठीक है, तो अब पीछे से कांग्रेस एहतजाज पे है, उनकी लीडरशिप को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऊपर से उनको ये डर भी है कि वहां पे जनाह साहब खुला खेल रहे हैं, हमारे जो इंटरेस्ट हैं उन पे तो मतलब इंटरेस्ट तो जो है ना हमारे बिगड़ जाएंगे वहां पे, उनका ख्याल कौन रखेगा। इधर से अंग्रेज ने भी कहा कि यार सबसे बड़ी जो पार्टी है इंडिया की वो तो यहाँ पे नहीं आई हुई कॉन्फ्रेंस में, इसका होना बड़ा बेटर करता है ना। तो ये तो फिर बात कोई माकूल नहीं है, इनको भी एहसास हुआ। तो दोनों तरफ जब एहसास हुआ तो इनके दरमियान एक पैक्ट तय पाया जिस पैक्ट को कहते हैं गांधी अर्बन पैक्ट। गांधी कांग्रेस के लीडर हैं, अर्बन जो है वो उस वराय उस वक्त का वायसराय हिंद है। इनके पैक्ट साइन हुआ कि जितने लोग कैद में हैं मुकदमात हैं वो खत्म कर देगी अंग्रेज सरकार, और गांधी साहब जो हैं वो कांग्रेस की शिरकत को यकीनी बनाएंगे दूसरी राउंड टेबल कांग्रेस में। तो जनाब ये डेट आप याद रखोगे, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डेट याद रखोगे, कांग्रेस भी शरीक है इसमें, इकबाल भी शरीक है, जनाब भी शरीक है, सब शरीक है। इंपॉर्टेंट तो डेलीब्रेशंस होती हैं मजीद। अब इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है इन्होंने कम्युनल अवार्ड जारी कर दिया अंग्रेज ने, ये डेट भी आपने लाजमी याद रखनी है, पीपीएससी में बड़ी दफा पूछा गया इसको। कम्युनल अवार्ड क्या था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ना, पहले तो मुसलमानों को हासिल है, इन्होंने सिखों को भी दे दिए, स्कैजुअल कास्ट को भी दे दिए, नॉन टचेबल्स वगैरह को भी दे दिए। तो गांधी साहब ने जनाब भूख हड़ताल कर दी। इस मतलब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसके बाद उन्होंने जब ऐलान किया कम्युनल अवार्ड का, तो गांधी जी ने भूख हड़ताल कर दी, कहा ये तो आपने हमारी जो यूनाइटेड इंडिया है उसको तकसीम कर दिया कौमों में। तो इन्होंने जब भूख हड़ताल की तो वहां पे डॉक्टर अम्बेडकर, ये नॉन टचेबल या स्कैजुअल कास्ट का जो लीडर है, ये वहां पे जाता है और एक पैक्ट साइन करता है जिसको कहते हैं पूना पैक्ट। कहता है कि जी जना साहब गांधी साहब आप ये मरण भारत खत्म करें, मैं हम नहीं लेते, हम रिफ्यूज करते हैं ये सेपरेट इलेक्टोरेट से, अपने तौर हमें नहीं चाहिए ये आप ये। तो बहरहाल ये चीज भी यहाँ पे आ गई। अब तीसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इट वाज नॉट वेरी मच सिग्निफिकेंट, कांग्रेस ने फिर बायकॉट कर दिया, जिन्ना ने भी कहा कि जी अब क्या मत्था मारना है वहां पर, तो ही डिडेंट पार्टिसिपेटेड। और वहां की जो लेबर पार्टी है अपोजिशन पार्टी है उसने भी शिरकत नहीं की। ठीक है, तो ये लेकिन तीसरी की भी डेट आप याद रखें। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस के बाद हुआ क्या है, अंग्रेज सरकार ने एक वाइट पेपर शाया किया है, डेट आपने लिख लेनी है गूगल करके, कि जो जो डेलीब्रेशन हुई है वो सारा बताया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी इसी दौरान में पब्लिश हो गई। इन सब की रोशनी में, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, डेलीब्रेशन इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, इनकी रोशनी में
अंग्रेज लेके आया फ्यूचर का, इंडिया का आइन जिसको बोलते हैं, इंडियन एक्ट 1935, जो कि पाकिस्तान का पहला अबूरी आइन भी है। अब इस आइन पे चलते हैं कि व्हाट वाज दैट। पब्लिश हुआ 2 अगस्त 1935 को, इन्फोर्स हुआ 1937 में। इसके तहत डायरेकी का निजाम खत्म कर दिया गया। डायरेकी का निजाम इंट्रोड्यूस कब करवाया गया था? जी 1999 की रिफॉर्म्स में। अंग्रेज सरकार ने प्रोविंसेस बना दिए 11। गवर्नर जनरल को अपॉइंट किया जाएगा 3 साल के लिए। इस एक्ट के 321 सेक्शंस थे, 14 पार्ट्स थे। इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन को उस तरह से खत्म कर दिया, एक तरह से अबॉलिश कर दिया। नए प्रोविंस उड़ीसा बनाया गया, उड़ीसा एक नया सूबा बना दिया गया। सिंध को मुंबई से अलग कर दिया। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया जी। अब 1935 के एक्ट के तहत हुए इंतखाबात। ठीक है, तो इंतखाबात हुए तो कांग्रेस ने 5 सूबों में मेजॉरिटी हासिल कर ली। मुस्लिम लीग डिडन परफॉर्म वेल। किन किन सूबों में? यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार, उड़ीसा एंड मद्रास। ठीक है, ये कांग्रेस जो हिंदू मेजॉरिटी सूबे थे, कांग्रेस ने जो सीटें जीती वो तकरीबन 701 है। अब कुछ जगहों पे ये रेफरेंस डिफरेंट भी है, मतलब हर हर हिस्टोरियन ने इसको थोड़ा सा चेंज भी किया हुआ है, लेकिन ये सीट्स हासिल की कांग्रेस ने। कांग्रेस ने 5 सूबों में गवर्नमेंट बनाई और 3 सूबों में कुलीयन गवर्नमेंट बनाई बाकी पार्टियों से मिलके, तो 8 सूबों में तकरीबन कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई। पंजाब में किसने गवर्नमेंट बनाई सवाल आ जाता है, तो यूनियनिस्ट पार्टी थी पंजाब में, हमेशा से इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसको हेड करते थे सर सिकंदर हयात, इन्होंने ये जो मिनिस्ट्री फॉर्म की वहां पे। मुस्लिम लीग को सिंध में कोई सीट नहीं मिली, NWFP में और पंजाब में सिर्फ 2 सीटें मिली, कहीं भी इन्होंने गवर्नमेंट नहीं बनाई। अब कांग्रेस की जो वजारतें हैं वो शुरू हो गई और कांग्रेस ने अपनी नेशनलिस्ट पॉलिसीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया जब कांग्रेस ने कहा कि अपना पॉलिटिकल पत्ता खेलें, वो 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हो गया। पर कांग्रेस ने कहा कि जी अब इंडिया ब्रिटिशर्स को ब्लैकमेल करने का बड़ा जबरदस्त टाइम है, तो उन्होंने कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने ये कहकर रिजाइन कर दिया कि ये जो गवर्नर्स है ना सूबाई, ये हमें काम ही नहीं करने दे रहे, तो दे रिजाइंड। मुस्लिम लीग ने इनके रिजाइन होने पर डे ऑफ डेलिब्रेंस मनाया। दोनों डेट्स आपने जरूर याद रखनी है जन MCQ टाइप क्वेश्चंस के लिए। फाइन, अब सवाल फिर एक और आता है कि जी कांग्रेस के दौर में क्या क्या ऐसी नेशनलिस्ट पॉलिसीज थी जिनको हम क्रिटिसाइज करते हैं। सबसे पहले वंदे मातरम। वंदे मातरम एक एंटी मुस्लिम सॉन्ग है, इसको नॉवल अनंत मात से लिया गया है, जिसके पब्लिशर थे, जिसके राइटर थे चितर जी, BC चितर जी, बंगाली राइटर था। इसमें एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स को भरा गया है और एक हिंदुइज्म को प्रोपोगेट किया गया, उसको सुपीरियर रिलीजन दिखाया गया। ये इन्होंने नेशनल कौमी तराना बना दिया अपना, हर तकरीब में हर स्कूल में ये चल रहा है, मुस्लिम सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। विद्या मंदिर स्कीम UCP और बिहार में मुतारफ करवाई कि जहां पर मुसलमान बच्चों को जो एजुकेशनल स्कीम है उसमें हिंदुइज्म को मुतारफ करवाया गया। वर्धा मंदिर स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई, जहाँ पे स्कूल नहीं है वहां पे बच्चे मंदिर में तालीम हासिल करेंगे। ठीक है भाई, तालीम ही हासिल करनी है, लेकिन वहां पे जो रिचुअल्स होते थे वो हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए, बच्चों से मूर्ति के सामने जो है वो सजदे करवाए जाते थे। तो इसके फॉर्मर जो थे वो जाकिर हुसैन थे, वॉज अ मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको क्रिटिसाइज किया स्कीम, ये भी स्कीम हो गई। जब कांग्रेस वजारतों ने रिजाइन किया तो मुस्लिम लीग ने मुख्तलिफ हिस्सों में कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश की जहां पे बताया गया कि कांग्रेस ने क्या क्या मजालम किए हैं हमारे ऊपर। इसमें एक पीरपुर रिपोर्ट है जिसको सैयद मेहदी ने पब्लिश किया 1938 में। फिर एक रिपोर्ट जो है वो बिहार में SM शरीफ ने, शरीफ नामी रिपोर्ट से उसको देखा जाता है, ये रिपोर्ट पब्लिश की। अब देर इज अ चेंज। मुस्लिम लीग जो अभी तक कहती आ रही है हमें इतनी सीटें दे दें,
हमें इतने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दे दें, हमें इतनी नुमाइंदगी दे दें। अब उसने जब कांग्रेस वजारतों का 2 साल देखे हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, अंग्रेज के होते हुए अगर ये हद तक जा सकते हैं, जब अंग्रेज चले जाएंगे हमारे पास ये राइट्स वगैरह मौजूद भी होंगे तो हम क्या कर लेंगे, हम तो बेबस हैं। तो लिहाजा ओनली सोल्यूशन क्या है, सेपरेट कंट्री। तो इस सेपरेट कंट्री का बाकायदा जो है वो जो ऐलान किया गया वो 23 मार्च के जिना साहब के प्रेसिडेंशियल एड्रेस में लाहौर में मंटो पार्क में मांगा गया। 27 माह ये मुस्लिम लीग का इजलास था, लाहौर में होना था। जिना साहब एक रात पहले आए और ममदूत इफ्तखार हुसैन ममदोट के घर में कयाम किया। ये पाकिस्तान बनने के बाद पहले सीएम पंजाब भी हैं। करारदाद 22 मार्च के जलसा था, करारदाद जो थी वो पेश की मौलवी फजलुल हक ने, 400 इसके अल्फाज थे, 4 पैराग्राफ थे। करारदाद पास हो गई कि जी हमें पाकिस्तान चाहिए है, ठीक है। अब ये करारदाद 23 मार्च को पास हुई और इसको सपोर्ट किया, ये सवाल आ जाता है जी किस किस सूबे से किस किस ने सपोर्ट किया। ये हर सूबे से अलहदा सपोर्टर्स को नॉमिनेट किया गया ताकि ये बताया जा सके कि ये तमाम सूबों जो जो मुसलमान है सूबों के ये सब ये चाहते हैं। जैसे NWFP से सरदार औरंगजेब, सिंध से अब्दुल्ला हारून, पंजाब से जफर अली खान, बलूचिस्तान से काजी ईसा, यूपी से खलीकुज्जमान, इन सब ने इनको सपोर्ट किया, ठीक है जी। ये आपने नाम जरूर याद रखने। तो जनाब पाकिस्तान की तहरीक आ गई और इसको लाहौर रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग ने नाम दिया, हिंदू अखबारात ने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन डिपिक्ट किया, मुसलमानों ने भी कहा जी कि ठीक है पाकिस्तान रेजोल्यूशन। अब इससे पहले क्या हुआ है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं जरा पानी ले लूँ। अच्छा, इससे पहले जो है ना ये हुआ है कि जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी तो कुछ जनवरी 1933 में एक पंफलेट शाया किया नाउ एंड नेवर के नाम से, लंदन में चौधरी रहमत अली। इसमें इन्होंने पाकिस्तान की स्कीम पेश की और बकायदा पहली दफा पाकिस्तान का नाम भी लिया कि जी पाकिस्तान, उन्होंने एक एक्रोनिम बनाया। मुस्लिम लीग ने इसको डिसऑन किया इस स्कीम को कि जी नहीं ये तो बच्चों का ख्वाब है। अब मुस्लिम लीग पहली दफा इसको अपने प्लेटफॉर्म से ऑन कर रही है, ठीक है। ये भी सवाल आ जाता है नो एंड नेवर किसने पब्लिश किया था। बहरहाल जी ये स्कीम पब्लिश हो गई, सिविल डिसोबीडियंस। अब गांधी साहब ने जनाब फ्यूचर एक्शन चूज किया है अक्टूबर में 1940 में, यहाँ पे उन्होंने कहा कि जी हम ना ये नॉन कोऑपरेशन या सिविल डिसोबीडियंस जाहिर करेंगे, पहले इंडिविजुअल करेंगे फिर कुछ ग्रुप्स के लीडर्स करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव शक्ल में होगी, और फिर हम मेजरली जो मासेस मास लेवल की एजिटेशन है वो शुरू करेंगे। तो अक्टूबर 1940 में इन्होंने कहा कि जी कुछ लोग इंडिविजुअली गिरफ्तारियां दें, नॉन कोऑपरेशन करें, उद्धों को छोड़ें। तो इस पे अप्रैल 1940 तक इन्होंने कहा कि जितनी भी कांग्रेस लीडरशिप है ना ये नॉन कोऑपरेशन या सिविल डिसोबीडियंस का ऐलान करे, बहुत सारे लोग इसमें पकड़े भी गए। डेट्स तरह याद रख लीजिएगा। अगस्त ऑफर आ गई, अंग्रेज उलझा हुआ है वर्ल्ड वॉर टू में, वर्ल्ड वॉर टू जारी रहती है 1939 से 1945, ठीक है। तो ये जनाब वर्ल्ड वॉर टू में जो है ना ये अंग्रेज जो है वो फंसा हुआ है और अंग्रेज चाहता है कि उसको इंडिया में सुकून रहे, यहाँ पे कुछ ऐसे मसाइल ना पेश आए। तो अंग्रेज गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर शाया करती है जिसको कहते हैं 8 अगस्त को, जिसको अगस्त ऑफर का नाम दिया जाता है। इन्होंने इसमें जो मेजरली जो बात की वो ये की कि जी वॉर के अख्तितम पे हम आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली बना दें, कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी जो फ्यूचर का इंडिया के लिए। अब ये बात पहली दफा अंग्रेज ने माना, पहली दफा ऐसा हुआ कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए के ऊपर राजी हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन जनाब आप लोग बनाए। खैर मुस्लिम लीग की वर्किंग पार्टी ने
कमेटी ने इसका जायजा लिया और इसको अप्रूव कर दिया, जबकि कांग्रेस को उस वक्त सदारत कर रहे थे अबुल कलाम आजाद। अब ये आपने थोड़ा सा इस पे काम करना है, जो कांग्रेस के मुस्लिम प्रेसिडेंट ने उनकी लिस्ट बना लेनी है और फिर एमसीक्यूज तैयार करने हैं। पहला प्रेसिडेंट कौन सा था कांग्रेस का मुस्लिम, ठीक है, कितने रहे, सबसे लॉन्गर टर्म कौन से रहे, दो दफा कौन रहे, ये आपने तैयार कर लेना। बहरहाल जब कांग्रेस ने इसको डिसअप्रूव किया तो वासराय ने रिग्रेट का इजहार किया और कहा कि जी विदड्रॉ तो नहीं कर रहे हम ऑफर, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो सकती क्योंकि एक मेजर पार्टी इसको नहीं ले रही। अब जनाब क्रिप्स मिशन आ गया, दिल्ली आया जी ये 22 मार्च 1942 को, यही पूछा जाता है कब ये पहुंचा, सीनियर मिनिस्टर इसमें शामिल थे। मुस्लिम लीग कांग्रेस दोनों ने इसको रिफ्यूज कर दिया, रिजेक्ट कर, क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ना क्विट इंडिया मूवमेंट के जी तहरीक, इंडिया छोड़ दो भाग जाओ भाई अंग्रेजों, ब्रिटिश रूल के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी। 9 अगस्त को ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को इलीगल बॉडी करार दिया और इसको बैन कर दिया, बहुत सारे इसके लीडरशिप को अरेस्ट कर लिया। डेट्स याद रखेंगे आप। इससे बाद इसके बाद अगली डेवलपमेंट जो है वो एक राज चक्रवर्ती राजगोपालचार्या, ये एक लीडर है मद्रास से कांग्रेस के, इन्होंने एक प्रपोजल पेश किया कि जिन्ना को अकोमोडेट किया जाए, जिन्ना जब सेपरेशन की बात कर रहे हैं तो इनको कुछ ना अकोमोडेशन दी जाए, इनसे बात की जाए। तो ये जो फार्मूला इन्होंने तय किया, इसमें इन्होंने कांग्रेस लीडर्स को ये बात बताने की कोशिश की। तो इन्होंने कांग्रेस लीडर को बताने की कोशिश की कि जिन्ना से बात की जानी चाहिए। इसमें जो मेन चीज थी वो ये थी कि जी आजादी हम इकट्ठे ले लेते हैं, उसके बाद एक प्लेबिसिट या रेफरेंडम करवाया जाएगा, जो जो एरिया पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं वो हो लेंगे। मतलब एक बड़ा अच्छा ट्रैप था एक बात को लॉन्ग करने का। तो इसी की बुनियाद पे ना गांधी साहब और जिन्ना साहब की ना जो टॉक्स हुई, ठीक है, गांधी जी ने जिन्ना साहब से बातचीत करने की रजामंदी इजहार की, तो जिन्ना साहब के मुंबई वाले घर में 9 से 27 सितंबर तक ये टॉक्स जारी रही और सीआर फार्मूला और कुछ दीगर जो बातें थी वो डिस्कस हुई। डेट्स आपने याद रखनी है। और गांधी साहब ने कोशिश की कि मैं जिन्ना साहब को एग्री करूं इस बात पर कि जी हिंदुस्तानी एक फॉर्म है और इसमें हम आपको मजीद प्रोटेक्शन देते हैं, आप यूनाइटेड इंडिया की बात करें, जबकि लाइक वाइज जो जो ऑन द अदर हैंड जिना साहब के जो मौकफ था वो टू नेशन थ्योरी पे मबनी था। ही हैज ऑलरेडी बीन वेरी क्लियर सिंस 1940 के नहीं जी दो अदर सोल्यूशन एप्लीकेबल अदर देन पाकिस्तान। उसके बाद अगला जो डेवलपमेंट है वो है वेवल प्लान। लॉर्ड वेवल जो थे ये वासराय या सेकंड लास्ट वासराय हिंद में, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कन्वीन की 14 मार्च जून को, अनाउंस किया कि जी 14 जून को अपना एक ना कि जी शिमला में कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 25 जून को वो कॉन्फ्रेंस हुई, गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मुस्लिम लीग के जो इम्पोर्टेंट लोग वहां पे मौजूद थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिना, लियाकत अली खां, ख्वाजा नाजमुद्दीन, हुसैन इमाम, गुलाम हुसैन हदायतुल्ला, सर मोहम्मद असद, और कांग्रेस में जो मुसलमान मेंबर्स जिन्होंने वहां पर रिप्रेजेंट किया, डॉक्टर खान साहब, अबुल कलाम आजाद और खिजर हयात। वहां पे बात हुई कि जी हम एक इंटर्म गवर्नमेंट बनाते हैं, सॉरी जो लेजिस्लेटिव बॉडी बनेगी इसकी वासराय की ना, तो कैबिनेट बना लें समझ लें उसको, तो उसमें ना जी मुसलमान मेंबर्स भी होंगे हिंदू मेंबर्स भी होंगे, तो अपने अपने नाम देंगे आप लोग। तो वहां पे एक शिक आई कि जी जो मुस्लिम मेंबर्स हैं, मुस्लिम लीग ने कहा कि उसको नॉमिनेट हम करेंगे, जबकि कांग्रेस ने कहा जी मुसलमान तो हमारे भी हैं, हमारे तो प्रेसिडेंट भी मुसलमान रहे हैं, तो हम भी कुछ नॉमिनेशन मुसलमानों की हम भी करेंगे। तो वहां पे सवाल हुआ
कि जी इस बात को कौन तय करेगा कि जी हु रिप्रेजेंट्स मुस्लिम्स। तो यहां से बात इलेक्शंस की तरफ जाती है कि जी इलेक्शंस विल डिसाइड कि हु रिप्रेजेंट मुस्लिम, इज इट रिप्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इसके बाद जनाब जो इलेक्शंस थे आने वाले, दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वाज अ सॉर्ट ऑफ रेफरेंडम कि जी अगर मुस्लिम लीग मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, इस मीन्स कि जो भी मुस्लिम लीग डिमांड कर रही है तो दिस इज द डिमांड ऑफ द मुस्लिम्स, और अगर मुस्लिम लीग उनको रिप्रेजेंट नहीं करती इसका मतलब है कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है, कांग्रेस भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जी जनरल इलेक्शंस होते हैं, तो सेंट्रल असेंबली के जो इलेक्शंस थे ना, दे हेल्ड इन दिसंबर 1945। कांग्रेस ने जनरल सीटों में 95 सीटें जीती, मेजोरिटी थी। मुस्लिम लीग ने जो मुसलमानों के लिए रिजर्व सीट थी वो 100% जीत ली। फैसला हो गया कि मुसलमानों को कौन रिप्रेजेंट करता है, मुस्लिम लीग। प्रोविंशियल असेंबली के जो रिजल्ट्स थे दे आर गिवन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ये थे जनाब, मुस्लिम लीग परफॉर्म्ड रियली वेल एज कंपेयर टू 1937 इलेक्शंस। यहाँ पे इन्होंने जो मुस्लिम रिजर्व सीट्स थी ना उस पे इन्होंने ऑलमोस्ट मतलब 492 मुस्लिम रिजर्व सीट्स थी, इस पे से इन्होंने 87% सीट जीत ली। 429 सीट्स इन्होंने ऑलमोस्ट विन कर ली। दैट वाज अ वेरी बिग थिंग, वेरी गुड थिंग। तो इस बात के डिसाइड हो गया कि जी कौन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते। इंडियन गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर अब फैसला हो गया, अब हुकूमत साजी होनी है। तो यहाँ पर आखिरी एफर्ट खेली गई, आखिरी एफर्ट की गई, प्रैक्टिकल एफर्ट आखिरी की गई बरतानवी गवर्नमेंट के साथ कि कोई हल निकल आए जिस पर सारे लोग एग्री हो। तो इन्होंने एक मिशन भेजा, कैबिनेट मिशन। तीन लोग थे उसमें, तीनों कैबिनेट के मेंबर थे। मार्च 28, 1946 को ये आया और 29 जून तक ये मिशन यहाँ पर रहा। इन्होंने जो प्रपोजल्स दिए वो ये थे कि जी एक हमारा लॉन्ग टर्म प्रपोजल है और एक शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म प्रपोजल ये है कि एक जी गवर्नमेंट बनाते हैं, इंटर्म गवर्नमेंट, जिसमें सारे लोगों की नुमाइंदगी होगी, और जी तो और दूसरा जो लॉन्ग टर्म प्रपोजल ये है कि इंडिया को यूनाइटेड आजाद करते हैं और तीन ग्रुप्स जो हैं वो प्रोविंसेस के बना देते हैं। ग्रुप 1 में मद्रास, यूपी, बिहार, बम्बई, उड़ीसा वगैरह शामिल होंगे, हिंदू मेजॉरिटी। ग्रुप 2 में मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके पंजाब, सिंध, NWFP, बलूचिस्तान शामिल होंगे। बंगाल और असम तीसरे ग्रुप में शामिल होंगे। लेकिन प्रपोजल दोनों ही एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने हैं, प्लान यानी कि पूरा एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना। तो जब ये ऐलान हुआ ना तो हिंदू अखबारात ने सुर्खियां लगाई कि जी जिनाज मुस्लिम स्कीम हैज बीन बरीड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान, कि यूनाइटेड इंडिया आजाद करना है जी। मतलब मुस्लिम लीग ने खासा सोच विचार। हाँ एक बात थी यहाँ पर, एक जो मैं बात बताना भूल गया, इन्होंने कहा कि जी कोई भी ग्रुप ऑफ प्रोविंस अगर चाहेगा तो अगले जनरल इलेक्शंस के बाद यानी कि 10 साल के बाद अगर वो ग्रुप ऑफ प्रोविंस मेजोरिटी के तौर पे वोट करता है कि जी हमने आजादी लेनी है, तो वो इस डोमिनियन से आजाद हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं सेपरेशन का एलिमेंट मौजूद था। तो कांग्रेस ने पहले तो इसको मतलब लिया, फिर उसके बाद कांग्रेस ने रजिस्ट किया और इसको रिफ्यूज कर दिया मानने से। टोटल को, इंटर्म को मानना, लॉन्ग टर्म को मानना, इंटर्म को मानने से इनकार कर दिया। तो मुस्लिम लीग ने पहले जरा रेजर्वेंसेस थी, लेकिन इनको लग रहा था कि 10 साल के बाद तो आजादी मिलेगी, तो इन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जब मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया तो कांग्रेस जो पहले उसको एक्सेप्ट करना चाह रही थी उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। दे वर अटरली आउटप्लेड बाय जिना। तो अब इसके बाद फिर हीले बहाने शुरू हो गए और गम जो थी अब हक बनता था उनका कि मुस्लिम लीग को इनवाइट करते गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, इंटरम गवर्नमेंट को हेड करने के लिए। लेकिन अंग्रेज चूंकि वो एक उनके दिमाग में था कि बड़ी पार्टी को हम नाराज नहीं करवा, तो जिना साहब ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये कि कब जिना साहब ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी इन ऑर्डर टू पुट प्रेशर ऑन द ब्रिटिशर्स। खैर ये कुछ नाम आपने याद रख लेनी है, डेट याद रख लेनी है, कितने मेंबर थे याद।
इंटरम गवर्नमेंट जनाब फिर फॉर्म हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने भी अपने मेंबर दिए, कांग्रेस के भी थे, जिन्ना ने लियाकत अली खान, इस्माइल इब्राहिम चुंदरीकर, सरदार अब्दुल रब निश्तर, गजनफर अली खान, जुगंदर नाथ मंडल, और ये तकरीबन वही लोग हैं जो पाकिस्तान की पहली कैबिनेट के भी मेंबर हैं। हम पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री में पढ़ेंगे इनका। तो फेमस वजारत जो थी ना वो फाइनेंस की, वो लियाकत अली खान साहब को दी गई, और उन्होंने मशहूर गरीब परवर जो था वो बजट पेश किया, गरीब नवाज बजट पेश किया। तो ये इंटरम गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ी सी बात हो गई। अब जनाब प्राइम मिनिस्टर उनका जो क्लाइमेट अटले था, उसने 20 फरवरी को ऐलान किया असेंबली में कि जी 30 जून 1948 तक हम ट्रांसफर ऑफ पावर्स कर देंगे इंडिया के लोगों। इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को यहाँ पर पहुंच गया। अब आपने वायसरायज पर भी काम करना है, ठीक है, फर्स्ट कौन था, लास्ट कौन था, सेकंड लास्ट कौन था, लॉन्गेस्ट टर्म किसका था, शॉर्टेस्ट टर्म किसका था, ये आपने इस पे भी काम कर लेना फॉर द जीके पेपर्स, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने सबसे मुलाकातें की, पॉसिबल हल सोचे कि कैसे ये ट्रांसफर पावर होगी। तो जब उसको नजर आया कि देर इज नो वे ऑफ पार्टीशन, तो उसने पार्टीशन प्लान का दिया कि पार्टीशन प्लान देते हैं। इससे पहले उसने एक और प्लान दिया, तीन जून को उसने पार्टीशन प्लान दिया, जिसको थर्ड जून प्लान कहते हैं, 3 जून 1947। इससे पहले उसने मई में एक प्लान दिया जिसको डिक्की बर्ड प्लान कहते हैं या बलकान प्लान फॉर इंडिया कहते हैं। इस प्लान के तहत था कि जी जो जो सूबे हैं ना, ये सारे सूबे जो हैं वो आजाद हो जाएंगे, और सारे सूबे जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेंगे, और सूबों को वही हैसियत होगी जो उस वक्त की इंडिपेंडेंट स्टेट्स को हैसियत हासिल है। तो कांग्रेस ने इसको बुरी तरह रिजेक्ट किया और इसको कहा कि इट इज बल्कानाइजेशन ऑफ इंडिया, इट वाज आल्सो सॉर्ट। लेकिन बाद में फिर पार्टीशन प्लान का ऐलान हो गया। तो पार्टीशन प्लान के तहत ये फैसला हुआ कि जी बंगाल और पंजाब की असेंबलियां ये फैसला करेंगी कि वो पार्टीशन चाहते हैं या नहीं चाहते, ठीक है। अगर दोनों असेंबलियां में, अब दोनों असेंबलियों के जितने भी मेंबर्स हैं ना, उन मेंबर्स के इजलास होंगे, एक इजलास मुस्लिम मेंबर्स का होगा और एक इजलास नॉन मुस्लिम मेंबर्स का होगा। किसी एक अजलास ने भी ये करारदाद पास कर दी कि हम पार्टीशन चाहते हैं, तो फिर दोनों सूबों की पार्टीशन होगी, ठीक है। तो इन दोनों असेंबलियों ने पार्टीशन के हक में फैसला दिया। एनडब्ल्यूएफपी में और असम में होगा रेफरेंड, सहलट डिस्ट्रिक्ट सहलट और एनडब्ल्यूएफपी में रेफरेंडम होगा। सिंध की असेंबली ये डिसाइड करेगी कि वेयर दे वॉन्ट टू गो, और बलूचिस्तान अभी सूबा ही नहीं था, वो तो पॉलिटिकल एजेंट के जरिए वो चल रहा था, तब तक छोटी छोटी रियासतें थी वहां पर, छोटी छोटी। तो सबसे पहले जो वोट दिया वो सिंध असेंबली ने दिया, ये भी एक सवाल आ जाता है कि सब पहले कौन सा सूबा था जिसने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। तो सिंध की असेंबली जो मेजरली मुस्लिम असेंबली थी, मुस्लिम, तो उन्होंने फैसला दिया पाकिस्तान के हक में। अब जब पार्टीशन का प्लान बन गया कि जी बंगाल और पंजाब की पार्टीशन होगी, तो 3 जून कहता है कि अगर पार्टीशन होगी तो फिर एक एक जो है वो बाउंड्री कमीशन बनेगा। तो उस बाउंड्री कमीशन के लिए एक कानून दान को बुलाया गया, सर सीरियल रेडक्लिफ, जो कि हु हैव नेवर बीन टू इंडिया, उसको इंडिया की जियोग्राफी का पता ही नहीं था। ये आया और इसको चेयरमैन लगा दिया गया दोनों सूबों की बाउंड्री कमीशन का, मुश्तरका, पंजाब का भी बंगाल का, मेंबर्स रख दिए गए। दो मुस्लिम मेंबर हैं, नाम पूछे जाते हैं लाजमी एग्जाम में, पंजाब से जस्टिस मुनीर, जस्टिस दीन मोहम्मद मुस्लिम मेंबर, मेहर चंद और तेजा सिंह नॉन मुस्लिम मेंबर, बंगाल से एस इकराम मुस्लिम, अबू साले मुस्लिम मेंबर, बी के मुखर्जी और सी सी बिस्वास नॉन मुस्लिम मेंबर्स। अब इस कमीशन ने मुश्तरका तौर पर फैसला करना था, लेकिन कमीशन का जो हेड था उसको एम्पावर किया गया कि ये जो ये सिफारिशात लेके आएंगे ना आपके मेंबर्स, आप इनके साथ एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो।
तो यहाँ पे बहुत पॉलिटिक्स हुई, बहुत ज्यादा प्रेशराइज इसको किया गया उस वक्त के लॉर्ड माउंटबेटन की जानब से भी, इन ऑर्डर टू फेवर इंडिया, बिकॉज वो दोनों कंट्रीज का मुश्तरका गवर्नर जनरल बनना चाहता था। वही रिफ्यूज्ड के नहीं जी हम तो नहीं आपको मानेंगे, इंडिया एक्सेप्टेड हिम। फिर उसके कुछ पर्सनल पर्क्स भी थे, तो जिसके बायस जो है ही है, जो अवार्ड था बड़ा अनजस्ट रहा। अब इस अनजस्ट अवार्ड पर जो 17, अब ये कब इन्होंने पेश किया, 17 अगस्त को ये ऐलान का आगाज हुआ कि जी 17 अगस्त को ये पब्लिश हुआ इसका बकायदा। जो अनजस्टिसेस की गई उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में इसकी 4 तहसीलें थी। गुरदासपुर में 52% मुस्लिम आबादी थी, बटाला में 55% थी, शक्करगढ़ में 51% थी, पठानकोट में 40%। मजमूई तौर पर कुछ 50% प्लस आबादी मुसलमान थी इस डिस्ट्रिक्ट की, और ये सियालकोट के साथ लगता था, मतलब इसकी टेरिटोरियल जो अटैचमेंट थी वो भी पाकिस्तान के साथ थी। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, वो थी माधोपुर हेडवर्क्स और गोल्डन टेम्पल सिखों का। अगर ये डिस्ट्रिक्ट हमारे पास आता तो हम गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास चले जाते और जो हमारा इन्फ्लुएंस था वो बढ़ जाता, और माधोपुर जो बारी दुआब कनाल पे बहुत बड़ा हेडवर्क्स था और उस पे जो इंडिया की तरफ इलाके जाने थे उन पे पानी का बहुत ज्यादा असर पड़ना था, तो ये एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए ये जो 4 तहसीलों में से सिर्फ एक तहसील मुसलमानों को दी गई पाकिस्तान में, शक्करगढ़, बाकी सारी तहसीलें उनको दे दी गई, हालांकि मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी, टेरिटोरियल कॉन्टिजेंट भी था ये हमारे साथ। और पठानकोट वो वाहिद तहसील थी जिससे रास्ता मिला कश्मीर को, और कहीं से भी इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर तक रसाई नहीं थी, यहां से थी, ये रास्ता मिला उनको। फिर फिरोजपुर हेडवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट था, पूरी स्टेट थी बीकानेर, उसको जो सैराब करता था या उसको बहुत ज्यादा पानी देता था वो ये हेडवर्क था। तो जब ये हेडवर्क जब पता लगा प्लान में रद्दोबदल होने से पहले कि ये तो नहीं पाकिस्तान की तरफ बनता है, तो बीकानेर स्टेट के जो प्राइम मिनिस्टर था वो कुछ बुक्स में जिक्र है कि वो माउंट बैटन को मिला कि जी अगर ये आप हेडवर्क उधर देते हैं तो मैं मजबूर हो जाऊंगा, मैं फिर पाकिस्तान की तरफ ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मेरी तो एग्रीकल्चर ही जो है ना वो सारी की सारी इस पर डिपेंड करती है। तो इन्होंने फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट, तहसील जीरा, ये दोनों पॉपुलेटेड तहसीलें थी, मुसलमान पॉपुलेटेड तहसीलें थी, इन्होंने दे दिया उसको। फिर कलकत्ता सिटी जो था इसमें मुसलमान पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था, सी पोर्ट था, और कहा जाता है कुछ रेफरेंसेस में आता है कि कांग्रेस सिर्फ इस बात पे पार्टीशन पे मानी थी कि अगर कलकत्ता जो है ना वो हमें दिया जाएगा, तो कलकत्ता सिटी भी इनको दे दिया गया। फिर कुछ इनजस्टिसेस, जो ईस्ट बंगाल था जो पाकिस्तान के हिस्से में आना था वहां पे भी टेरिटोरियल की गई। बहरहाल जिना साहब ने इस सब के साथ अंडर प्रोटेस्ट जो है वो इस अवार्ड को कबूल किया, और इस अवार्ड की वजह से स्टिल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है टेरिटोरियल वाटर शेयरिंग के मसाइल वगैरह अभी तक मौजूद है। बारकैफ इसके साथ जो है वो हमने देखा कि हमारी जो हम वी लैंडेड ऑन अगस्त 1947, 14 अगस्त को ट्रांसफर ऑफ पावर हुई और गवर्नर जनरल हमारे जिना साहब बन गए। इंडिया की ट्रांसफर ऑफ पावर जो है 15 अगस्त को हुई और उनके पहले गवर्नर जनरल बन गए माउंट बैटन। तो यहाँ से फिर हमारा पोस्ट पार्टीशन का आगाज होगा हिस्ट्री का, सीरीज का इंशाल्लाह। और मैं आपके सवाल लेता हूँ, लेकिन इसके साथ आपके पास ये स्लाइड शेयर की गई है, तो इस स्लाइड से आपने खुद तैयार करना है। हिंदू मूवमेंट्स, इन पे सवाल आते हैं कि हिंदूज की कौन सी मूवमेंट चली, मजहबी मूवमेंट्स हैं मोस्टली ये, ठीक है, इनको पढ़ लेना आपने, जो मैंने हाईलाइट पॉइंट किए हैं वो आपने करने हैं। फिर मुस्लिम जो मूवमेंट है, अलीगढ़ हम कर चुके हैं डिटेल में, देवबंद, नदवत उलमा, अंजमन हमायत इस्लाम, सिंध मदरसातुल इस्लाम, कब बनी, किसने बनाई, कोई इंस्टीट्यूट इन्होंने कायम किया, कोई किताब छापी, कोई इंपॉर्टेंट काम मैंने हाईलाइट कर दिया स्लाइड्स में, तो वो आपने सारा जो है ना इसको गो थ्रू कर। इसके बाद वी विल हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जो कि आपका दो हिस्सों में होगा, एक 9 7 12 से लेके
1857 तक होगा, और एक 1857 से लेकर 1947 तक होगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, और जो लोग भी चाहते हैं कि उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए, तो वो जो जो लॉजिक्स, जो जो पॉइंट्स, जो जो रैशनल, जो जो कनेक्टिविटी मैंने बताई है, वो भी साथ अपने माइंड में रखेंगे। क्योंकि जो भी इंटरव्यू देने जाएंगे, आपसे हिस्ट्री के सवाल हो सकते हैं, साथ में जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेट्स, फैक्ट्स, फिगर्स, नाम, ये जरूरी है, लेकिन इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, या अगर कोई CSS PMS का बैकग्राउंड लेके बैठा है और वो इस फाउंडेशन मॉड्यूल में है, तो वो अगर इसको सुन रहा है, तो वो फिर उसकी डेवलपमेंट होगी। अब ये सीरीज सुनने के बाद, ये वीडियो सुनने के बाद, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जी राइट अ नोट ऑन द इनजस्टिस मेड बाय द रेड क्लफ, तो आपके पास एक पूरा बैकग्राउंड है कि रेड क्लफ अवार्ड आखिर दिया क्यों गया। 3 जून के प्लान को रेफर करेंगे, 3 जून के प्लान में दो सूबे, पंजाब और बंगाल को रेफर करेंगे कि वहां की जो असेंबलीज थी, दे वोटेड इन फेवर ऑफ पार्टीशन। ठीक है, फिर ये अवार्ड बना, फिर कैसे कैसे इनजस्टिसेस हुई, इसके ऊपर जब आप थोड़ा सा जाके मजीद पढ़ेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डबल हो जाएगी, और पॉइंट्स बनाना फिर आपके लिए रैशनेल क्रिएट करना मसला नहीं होगा। नाउ आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चंस। यार मैं एक मिनट इसको यहाँ पे पॉज कर दूँ।